चैनल और आज हम जा रहे हैं कहीं। मीमांस का एक स्पेशल व्लॉग है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। तो लेट्स गो, बहुत लेट हो गया है, चलते हैं और फिर आगे मिलते हैं। बाय। हमारी थी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट और अब हम आधी रात में जा रहे थे एयरपोर्ट और लग रहा था सिटी बहुत ही खूबसूरत। ये इतनी सुंदर लाइटिंग लगती है ना, मतलब मेरे कैमरे में इतने अच्छे से नहीं आ पा रहा है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और कोई भी नहीं था रास्ते में, सिर्फ हम ही लोग चले जा रहे थे फाइनली, क्योंकि पहली बार मीमांस को मैं फ्लाइट में लेके जा रही थी, तो उसका फर्स्ट फ्लाइट थी और मैं अकेली थी तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी, बट आई थिंक सब कुछ अच्छा ही रहेगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, अब हम अंदर जा रहे थे और सुबह के कुछ 3:30 अराउंड हो रहे थे, बट मीमांस इतना एक्साइटेड था कि बिल्कुल फ्रेश हो चुका था अब तक। तो me, are you not looking at me happy? Let's go in. You have to find Indigo. Where is Indigo? Chalo. Mevu is excited. Finally, airport! Yay! Finally, we are waiting. हमारा कब तक स्टार्ट होगी बोर्डिंग? देखो नीरा, मेरा टिकट नीचे गिरा दिया इसने। ये मेरा, आपका गिर गया नीचे। Mevu is super excited for his first flight. गाइस हम फाइनली एयरपोर्ट आ गए हैं और सुबह सुबह का टाइम है, लाइक 4:20 अराउंड हमारा आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तब तक वी आर वेटिंग और एक्साइटमेंट में ना भूख लग रही है ना कुछ। मैं बहुत, हाँ मैं भी बहुत इयर्स के बाद ट्रैवल कर रही हूँ और ये विमान की फर्स्ट फ्लाइट है, कल को की एल मेक द बेस्ट फॉर देम। लेट्स सी। नींद आ रही है? हाँ थैंक यू। हाँ एयरपोर्ट पे तो आप एरोप्लेन के अंदर चलो, तो वो हमारा गेट है। लेट्स सी कब तक ओपन होता है, हम तब तक इनकी थोड़ी सी मस्ती स्टार्ट है। सो गाइस हम थोड़ा बोर हो रहे हैं और हमारे उसको बहुत टाइम है, तो वी आर थिंकिंग हम ऊपर जाके थोड़ा चेकआउट करते हैं क्या है क्या नहीं है। मीमांस को एयरपोर्ट घुमाती हूँ मैं तब तक जयपुर का। लेट्स गो। चलो तो मीमांस को मैं घुमाने के लिए टाइम पास करना था, क्योंकि हम हमारी बोर्डिंग आई थिंक 4:20 अराउंड कुछ थी और स्टिल हमारे पास 15-20 मिनट्स थे जो हम टाइम पास कर सकते थे। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आए थे जहाँ पे मसाजेस रखते थे, कुछ खाने पीने की शॉप्स थी और काफ़ी सारी जो शॉप्स थी वो ओपन ही नहीं थी बिकॉज काफ़ी अर्ली मॉर्निंग था, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी और बिल्कुल खाली खाली था, तो कुछ भी नहीं किया हम ऐसे राउंड काट के, और कुछ भूख नहीं लगी थी बिकॉज मॉर्निंग था, एक्साइटेड थे इसलिए हमने कुछ खाया। मीमू लाउंज को आपको कचौड़ी वचौड़ी भी खानी है? मीमू वेट कर करके थक गया। कब जाएंगे? अब गेट खुलेगा तभी तो जाएंगे। लेट्स सी कब खुलता है, तब तक ले मीबू वेट। तब तक वेट हो रहा है। वेट फाइनली हमारा गेट ओपन हो रहा है एंड वी आर अबाउट टू गो। मीबू तो एक्साइटेड है, बैक लग रहा है। मीवा फाइनली आर गोइंग, साइट में जा रहे हो। सो हमारा गेट ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ ही सेकेंड्स में ओपन हो जाएगा and then we will go, yay! कहाँ की excitement? इधर look at me. So finally बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हम एटलीस्ट बस तक तो पहुँचे और पता नहीं किस बात का डिले हो रहा था, तो हम काफ़ी देर तक बस में बैठे रहे और उसके बाद जब चलिए तो मीमांस का तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे था। ही वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड और मैं उसके एक्साइटमेंट में बहुत खुश हो रही थी कि ठीक है मैं उसको ये एक्सपीरियंस करा पा रही हूँ। Finally,
what are you doing, Biba? So we're waiting ki kab band hoga and hum jayenge aeroplane mein. Good boy ki tarah hi sitting. सो फाइनली द वेट इज ओवर और बस चलती थी और वो इतना लंबा जा रही थी, मतलब हमारा फ्लाइट पता नहीं कहाँ एकदम आखिरी में खड़ा था कि हम चलते जा रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था हम एयरपोर्ट छोड़ के बाहर जा रहे हैं और फाइनली हमको अपने एयरपोर्ट में ये बैठाएंगे कि बस में ही छोड़ने जाएंगे। हमें एयरपोर्ट के बाहर लेके जा रही क्या? देयर ओके। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग बोर्डिंग वीवो। ये Let's go! बच्चे के साथ ट्रैवल करना ऑब्वियसली अकेले बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बट बिकॉज मुझे पता था मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशन ले रखा था। मैंने कॉटन बॉल्स रखी थी ताकि बिकॉज वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, एक वॉमिट बैग्स भी रखे थे, हर चीज़ मेरे पास रेडी। मम्मी वो फीलिंग कोल्ड और ये कुछ मैंने कुकीज रखी थी जो मैं उसको च्यू करा रही थी ताकि उसको एयर प्रेशर की वजह से ईयर्स में या नोज या कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और हमारी जर्नी एकदम स्मूथ रहे, सो ही कैन ऑल्सो इन्जॉय। तो बीच बीच में मैं उसको थोड़ा थोड़ा कुकीज़ खिला रही थी, चॉकलेट कुकीज़ मेरे पास थी और कॉटन बॉल मैंने उसके ईयर्स में लगा रखी थी ताकि उससे भी उसको कुछ इफेक्ट ना पड़े और कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी जर्नी बिल्कुल अच्छी हो और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को आराम से इन्जॉय कर पाए। और जैसा हुआ और मैंने इस चीज़ को पूरी जर्नी में किया एंड मिवांश को बहुत मज़ा आया एंड द व्यू वाज अमेजिंग। हमें नाइट का और मॉर्निंग व्यू दोनों मिला क्योंकि हमारी बोर्डिंग रात की थी, ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग दैट इज़। तो ये पूरा सिटी की लाइट दिख रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लगा। और मॉर्निंग में हमने सनराइज़ भी इन्जॉय किया जो आप आगे वीडियो में देखोगे, बहुत ही खूबसूरत था। तो मिवांश का तो ये फर्स्ट सनराइज था बिकॉज इस तरह आसमान में बैठ के सनराइज उसने कभी नहीं देखा था, तो वो बहुत क्यूरियस था, ही थॉट कि सन तो गोल होता है, ये ऐसे लाइन से कैसे दिख रहा है, व्हाट इज दिस। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे ना उसके, मतलब वो सुपर एक्साइटेड था और उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उसने पूरा प्रोसीजर। इन वॉज लाइक कि ये मॉर्निंग इस तरह से कैसे हो रही है, सनराइज ऐसे कैसे हो रहा है, बहुत ही सारे क्वेश्चन थे जिनका मुझे बहुत पेशेंटली जवाब दे रहे थे और मैं एक्साइटेड भी थी, हैप्पी भी थी और उसने बहुत इन्जॉय किया, सो आई वॉज हैप्पी विद दैट फैक्ट। मिवांश अपनी फर्स्ट फ्लाइट से इतने एक्साइटेड थे कि रात में लेट सोए थे, फिर अर्ली मॉर्निंग था तो इतनी जल्दी उठ भी गए थे। अब इन्हें आ रही थी बहुत नींद क्योंकि फ़्लाइट के मज़े तो ये ले ही रहे थे बट सो नहीं सकते थे ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्साइटेड भी थे, तो एक सेकंड के लिए सो रहा था, कभी उठ रहा था, कभी बाहर क्लाउड्स को देख रहा था। और इसका पूरे इसी सब करते करते फिर अपने कुकीज़ खाने में एंड ऑल दैट में इनकी पूरी जर्नी ऐसी निकल गई।
Finally landed. मेरे को उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया. I'm super excited. How was your first flight? Amazing. You had fun? Yeah. So guys, चलते हैं exit की ओर. Airport is really beautiful. Mevo. मैं छोटू. Toy shop. So far he's not aware of it. कम 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 पापा वेटिंग आराम से. दोनों बाप बेटे चले जा रहे हैं, माँ से कोई मतलब नहीं है. मैं लगेज लेकर आ रही हूँ. सी जमाना. हेलो आई वॉन्ट से हियर. अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के बाद सारा लगेज अपने पति को देने के बाद हम निकल गए थे एयरपोर्ट के बाहर. और मैं वहां बहुत ही खुश था. कूदते फूदते हम चले जा रहे थे एयरपोर्ट के बाहर. आई लव द एयरपोर्ट, इट्स सो गुड. So guys, ये था हमारा एयरपोर्ट का व्लॉग. आज का फर्स्ट फ्लाइट. आई होप यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. सुपर टायर्ड गाइज, बट अब हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती. अब हमें घर जाने के लिए काफ़ी सारे घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा कार से. तो वो वाला ब्लॉग दूसरा बनेगा. बाय बाय, टाटा टेक.